हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत रिसेंटली जो है अपनी रिलेशंस लैटिन अमेरिका के साथ जो है काफ़ी डेवलप कर रही है, काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, बेसिकली भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, तो इसी महीने के एंड में कुछ लैटिन अमेरिका कंट्रीज विजिट करने वाले हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, मेनली देखें कि इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में जो भी रिलेशंस है, किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ जो इंडिया लैटिन अमेरिकन देशों के साथ जो इंडिया अपनी रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है और क्या क्या वे फॉरवर्ड है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो है भारत अपनी रीच जो है लैटिन अमेरिका तक बढ़ा रही है और ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो पिछले साल जो है ब्राजील, अर्जेंटीना और पाराग्वे के दौरा में थे, और यहाँ पे पाराग्वे में भी आपने ऑलरेडी थंबनेल में जो देखा, गांधी जी का एक स्टेचू भी अनावरण किया गया था। तो इस महीने के एंड तक गायाना और कोलंबिया भी जो है वो विजिट करने वाले हैं। और उसके साथ जो है भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी, तो ये भी जो है क्यूबा, ग्योटेमाला, ईएल सेल्वेडोर और बोलीविया, ये भी देश जो है विजिट करने वाली है। उसके अलावा न्यू दिल्ली जो है अलग अलग रीजनल लीडर्स के कुछ समिट, जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इनके लिए जो G20 समिट होने वाली है यहाँ पे होस्ट करने वाली है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे लैटिन अमेरिका, थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए तो साउथ अमेरिका और कुछ जो यहाँ पे मेक्सिको, देन ग्वाटेमेला, ईएल सेल्वेडोर, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, ये सब जो मिला के इंक्लूडिंग द साउथ अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका कहाँ जाता है। तो अगर देखेंगे वेस्ट साइड में नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इक्वेटर के ऊपर जो इक्वेटर के नीचे जो है साउथ पैसिफिक ओशन, और ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो साउथ में इक्वेटर के नीचे साउथ अटलांटिक ओशन, और जो ये आप देख सकते हैं इक्वेटर ब्राजील से होके यहाँ से जाती है, ये इक्वेटर है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लेना चाहिए, यहाँ पे ब्राजील, वेनिजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, एक लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पे, पराग्वे, अर्जेंटीना आप देख सकते हैं, वर्ल्ड कप विनर मेसी जो है, चिले, यहाँ पे अलग अलग देश आपको यहाँ पे दिख जाएगी, छोटी छोटी काफ़ी सारे देश है यहाँ पे, दिखने में लगते हैं बहुत नज़र में नहीं आते लेकिन बहुत ही छोटे छोटे कुछ देश है प्रमुख जो है यहाँ पे कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, थोड़ा सा आइडिया भी लेना चाहिए। तो अगर बात करेंगे इंडिया और जो लैटिन अमेरिका के बीच में कुछ रिलेशन, अगर बात करेंगे पहले, अगर बात करेंगे हिस्टोरिकली 1917 में जो है एम एन रॉय ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में फॉर्मेशन के टाइम में, नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये भारत ने भी जो एक जो पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके एक नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था, और यहीं से जो है लैटिन अमेरिका के साथ जो है भारत की रिलेशंस काफ़ी मजबूत होने लगी। पॉलिटिकली अगर बात करेंगे भारत और ब्राजील जो है ब्रिक्स और कुछ कुछ इब्सा डायलॉग जो है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके साथ रिलेटेड है, और इसके साथ कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी ब्राजील, मेक्सिको और चिले के साथ भारत करती है। इकोनॉमिक हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आगे। तो भारत जो है अपने एनुअल ट्रेड को जो है बढ़ा रही है, लगभग US 50 बिलियन डॉलर तक हो चुकी है लैटिन अमेरिका के साथ। कुछ कुछ ONGC या फिर अलग अलग सेक्टर्स भी जो है लैटिन अमेरिका में स्टार्ट हो चुकी है। कल्चरल अगर बात करेंगे काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल गुरु जैसे कि साई बाबा, ब्रह्मा कुमारी, हरे कृष्णा, उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स जो है लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। और उसके अलावा इंडिया आयुर्वेदा और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज में आती है साउथ लैटिन अमेरिका में। डायस्पोरा अगर बात करेंगे भारत के बहुत सारे जो लोग हैं ट्रिनिडाद, सरिनेम और गायना में पाए जाते हैं। वेस्ट इंडीज के जो अगर क्रिकेट टीम में देखेंगे काफ़ी सारे भारत के मूल के जो खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल हिसाब से देखा जाए तो भारत और ब्राजील ने काफ़ी MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भारत और मेक्सिको ने अलग अलग फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी MOU भी साइन किए हैं। और इंडिया ने देखिए MOU भी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट ब्राजील के साथ साइन किया है, उसके साथ चिली और मेक्सिको के साथ भी साइन किया है। एजुकेशन में अगर देखा जाए अलग अलग स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंजेस भी जो है भारत करती रहती है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR, तो यहाँ पे जो है अगर बात करेंगे काफ़ी सारे हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है स्कॉलरशिप दे के भारत भेजती भी है लैटिन अमेरिका में।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडिया क्यों लैटिन अमेरिका में इंटरेस्टेड है, तो पहली बात अगर करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो अगर बात करेंगे भारत और लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ती जा रही है, और स्पेशली भारत जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। 2000 पिछले अगर 2 दशकों में अगर बात करेंगे तो भारत की जो ट्रेड है लगभग 25% एनुअली बढ़ रही है, और ये अब तक जो है $50 बिलियन तक जो है ट्रेड हो चुकी है दोनों ही मूल जो लैटिन अमेरिका और इंडिया के बीच में। अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी डिपेंडेंसीज, यानी कि भारत जो अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी सिर्फ कोल के साथ ही नहीं अलग अलग सेक्टर के साथ बढ़ानी चाहती है, तो इसके लिए अलग अलग लैटिन अमेरिकन कंट्री स्पेशली ब्राजील के साथ भारत की रिलेशन काफ़ी मजबूत हो रही है। कुछ कुछ इंडिया के मेजर इंस्टीट्यूट जैसे कि ONGC जो एक्टिव है कोलंबिया में, भारत पेट्रोलियम जो ब्राजील में भी एक्टिव है। रिन्यूएबल एनर्जी अगर की इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है अपनी पोटेंशियल कोऑपरेशन बढ़ा रही है ब्राजील या ऐसे कुछ कंट्रीज के साथ फॉर इथानॉल एंड ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं ब्राजील जो है बहुत ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करती है, तो इथानॉल की प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ कुछ अलग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ, तो ब्राजील बहुत ही प्रमुख है, तो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स के साथ जैसे कि ब्रिक्स और इब्सा के साथ भी एसोसिएटेड है। काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर, डिफेंस हो गई, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर हो गई, आईटी सेक्टर, बहुत सेक्टर जो है ब्राज़ील के साथ भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेक्सिको अगर बात करेंगे तो इंडियन एंटरप्राइजेस जो है मेक्सिको को एज ए जो है स्प्रिंग बोर्ड के हिसाब से यूज़ करती है, यानी कि इंडियन एंटरप्राइज मेक्सिको में जाते हैं और मेक्सिको से जो है USA में एंटर करने के लिए काफ़ी आसानी होती है। तो मेक्सिको जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका में। अर्जेंटीना के साथ बात करेंगे तो देखिए अर्जेंटीना और चाइना के बीच में कुछ रिलेशंस मजबूत हो रही है, लेकिन 2019 में जो अर्जेंटाइन जो प्रेसिडेंट है माउरिसियो माकरी, तो ये जब भारत में आए थे तो इंडिया और अर्जेंटीना के जो रिलेशंस को मजबूत करने में काफ़ी क्रूशियल उन्होंने रोल प्ले किया था। अगर बात करेंगे कुछ कुछ चैलेंजेस, तो देखिए इंडिया और लैटिन अमेरिका बहुत ज़्यादा दूर में है, बहुत ही दूर में है, यानी कि अगर आपको भारत से ब्राज़ील भी फ्लाइट लेनी है तो इमीडिएट जो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, यूएसए जाके यूएसए से आपको ब्राज़ील पहुंचना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, लगभग मोर देन 24 आवर्स वहीं से लग जाएंगी आपको, तो बहुत दूर है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर, तो अगर हम लोग जो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग कुछ कुछ कंट्रीज है उनको छोड़ दिए, तो काफ़ी सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में स्पेनिश और पोर्तुगीज बोला जाता है, तो लैंग्वेज एक बैरियर है जिसके वजह से वहाँ पे माइग्रेशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लिमिटेड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अभी फिलहाल कुछ कुछ चीज़ें अगर लैटिन अमेरिका में जो है इस्तेमाल हो भी रही है, लेकिन कल्चरली दोनों ही जो मुल्क है दोनों ही जगह है काफ़ी अलग अलग है, यहाँ पे दोनों के ही कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कभी कभी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, दोनों ही देश जो है टैरिफ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, टैरिफ को भी यहाँ पे इंडिया को जो है थोड़ी सी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली अगर ब्राज़ील में देखा जाए तो ये क्या करती है रिलेशनशिप में इफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे हाई लेवल इंटरेक्शंस भी अगर देखा जाए उसमें भी कंपेरेटिवली कम होती है, लेकिन भले ही देखिए ब्राज़ील और कुछ कुछ अगर देशों के साथ छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देशों में कम हो रही है, लेकिन उसको अभी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए भी भारत के जो मिनिस्टर्स वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड अगर देखेंगे तो देखिए इंडिया जो है ट्रेडिशनली नॉन अलाइन मूवमेंट के वजह से जो है ग्लोबल साउथ जिसको बोला जाता है लैटिन अमेरिका के जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिलेशनशिप एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और अगर बात करेंगे भारत की जो ट्रेड लैटिन अमेरिका के साथ बढ़ रही है, लेकिन ये कंपैरिजन देखा जाए चाइना की $450 बिलियन के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन में आ रही है $50 बिलियन भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, भले ही चाइना हमसे 9 गुना ज़्यादा ट्रेड करती है लेकिन फिर भी ये नज़रों में आ चुका है। तो इंडिया को जो है इसका एडवांटेज लेना चाहिए एज ए राइजिंग पावर, एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी सारे सॉफ्ट पावर उसको इंडिया जो है उसको जो है यूज़ कर सकती है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन प्रैक्टिसेस, सपोज योगा हो गया, यहाँ पे आयुर्वेदा, ऐसे जो प्रैक्टिसेस इंडिया लैटिन अमेरिका में फेमस कर सकती है। दोनों ही देश अपने जो है साइजेबल
जो मिनरल रिसोर्सेज जो है उसके एडवांटेजेस दे सकते हैं। इंडिया में कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो लैटिन अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, सेम चीज़ें इंडिया के लिए भी है, ये चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों ही देश। इंडिया मेनली यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी यानी कि जो बात करेंगे कि ट्रेड पॉलिसीज में थोड़े से लिबरल एटीट्यूड ले सकती है, तो इसके लिए भारत जो है रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं ताकि काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सचेंज में आसानी हो सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडियाज रीचिंग आउट टू लैटिन अमेरिका, काफ़ी ज़्यादा इंडिया रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे पॉइंट्स कभी कभी आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं और इसको ऐसे टॉपिक अगर आपके क्लियर हो तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी आसानी होती है। मल्टीपल डायमेंशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की इसको एनालाइज करने के लिए, तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।